आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है, निरंतर स्व परागण का परिणाम होता है, और नीचे हमें चार विकल्प दिए गए हैं और हमें सही उत्तर का पता करना है। तो सबसे पहले देखते हैं स्व परागण होता क्या है। जब एक ही पेड़ या फिर पौधे के एक ही फूल पर स्टिग्म मतलब स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों हो और दोनों में परागण की प्रक्रिया हो तो उसे स्व परागण कहते हैं। और जब एक ही पेड़ के अलग अलग फूलों में भी जब एक स्त्री केसर एक फूल के स्त्री केसर और दूसरे फूल के पुंकेसर में परागण हो की प्रक्रिया हो तो उसे भी स्व परागण कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, विकल्प ए है हमारा। स्व परागण से क्या होता है, परिणाम क्या होगा इसका। एक लिंगी पुष्पों का निर्माण होना, मतलब कि एक ही लिंग के पुष्प मतलब या तो पुंकेसर होगा उसमें या तो स्त्री केसर होगा, उसे बोलेंगे हम एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं, या तो पुंकेसर हो या इसमें पुष्प में। चलिए दूसरा विकल्प देखते हैं। दूसरा विकल्प है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है, जब स्व परागण हो की प्रक्रिया हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कम जैविक जो हमारे नए पुष्प होंगे या फिर नए फल होंगे उनमें या फिर नए नए पौधे होंगे उनसे उनमें क्या होगा, कम जैविक स्वस्थ होंगे वो। कैसे होंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन में, कैसे होंगे वो, कम जैविक स्वस्थ। दूसरा क्या रहेगा, पौधे की उर्वरता कम रहेगी, ठीक है, क्योंकि हमारे नए पौधे बनेंगे स्व परागण से, उनमें पौधे की उर्वरता कम होगी, ठीक है, और उत्पादकता भी कम होगी। तो थर्ड विकल्प है हमारा, तीसरा विकल्प है शक्तिहीन युग्म, ठीक है, मतलब कि ऐसे युग्म जिनमें शक्ति ना हो, ठीक है, कैसे युग्म, और चौथा हमारा क्या है, आखिरी ये हमारा स्वबंधता, मतलब कि स्वबंधता में क्या होगा, प्रजनन असमर्थता, मतलब कि प्रजनन नहीं हो सकता। तो हमारा पहला विकल्प है एकलिंगी पुष्पों का निर्माण, ठीक है, मतलब कि ऐसे पुष्प जिनमें या तो स्त्री केसर होगा या फिर पुंकेसर होगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, मतलब पौधे तो वही पुष्प तो वो होते हैं कैसे, जिनमें स्त्री केसर पुंकेसर दोनों होते हैं अगर स्व परागण होगा, ठीक है, और अगर पुष्प पहले से ही एक लिंगी है तो उसमें स्व परागण हो ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरा है हमारा इनब्रीडिंग डिप्रेशन, तो ये उत्तर हमारा सही है, ठीक है। तीसरा शक्तिहीन युग्म, ऐसा नहीं होता। स्वबंधता मतलब प्रजनन असमर्थता हो जाएगी, नहीं ये भी गलत है। तो हमारा उत्तर होगा क्या, उत्तर है हमारा बी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।